दोस्तों ऑनर ने लॉन्च कर दिया है अपना एक एंट्री सेगमेंट का फोन, बोले तो मतलब कि बजट सेगमेंट का एक फोन, और मॉडल का नाम है ऑनर 7S, जो देखने में लगता है बिल्कुल ऑनर 7A और 7C का भाई। और अगर मार्केट कॉम्पिटिटर की बात करता हूं तो Redmi 6A का कॉम्पिटिटर, वो फोन भी जल्दी मार्केट में आने वाला है, और आने वाले वीडियो में करूंगा दोनों का कंपैरिजन, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मिलती जुलती है दोनों की कॉन्फ़िगरेशन। तो रही बात कॉन्फ़िगरेशन की, तो उसी से हम शुरुआत करते हैं। इस फोन के अंदर आपको मिलता है 5.45 इंचेस का HD डिस्प्ले, यानी कि 720p का आपको डिस्प्ले मिलता है, फुल HD नहीं मिलता है। उसके पीछे रीजन है MediaTek का प्रोसेसर। जी हाँ, इसके अंदर आपको मिलता है MediaTek का MT6739 का प्रोसेसर, जो कि 1.5 GHz की क्वाड कोर फ्रीक्वेंसी के ऊपर चलता है। अगर वेरिएंट की बात करूं तो इसके अंदर आपको मिलेगा एक वेरिएंट जिसके अंदर आपको 2GB और 16GB की स्टोरेज मिलती है, 2GB की रैम मिलेगी और 16GB के अंदर आपको स्टोरेज मिलेगी। कैमरा की अगर बात करूं तो 12 MP का इसके अंदर आपको रियर का कैमरा मिलता है और 5 MP का इसके अंदर आपको फ्रंट का कैमरा मिलता है। दोनों ही कैमरास के अंदर 2.2 का अपर्चर है और दोनों ही कैमरास के अंदर आपको LED फ्लैशलाइट मिलती है। फेस अनलॉक का फीचर इस फोन के अंदर आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता है। और जैसा कि मैंने Realme 1 के अंदर देखा था, तो फेस जो है वो सॉफ्टवेयर वाला जो फेस अनलॉक जो फीचर होता है वो इतना कामयाब नहीं है, आप भी इस चीज़ को जानते हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं पैसे बचाने के लिए जो फिंगरप्रिंट का जो इन्होंने ऑप्शन हटा दिया है, वो कहीं ना कहीं इसके कॉन्स में जाएगा, बट देखते हैं इसका फेस अनलॉक जो है वो कितना सक्सेसफुल हो पाता है। आगे अगर बात करता हूं तो इसके अंदर आपको आउट द बॉक्स मिलेगा ऑडियो का 8.1, साथ में आपको EMUI मिलेगा, मतलब ऑनर का जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये 8.1 इज गुड क्योंकि ये अच्छे से काम करता है, लैग फ्री एक्सपीरियंस तरह वो मिलेगा। लेकिन EMUI की अगर बात करूं तो वो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देता है MIUI की अगर बात करें तो उसकी परफॉर्मेंस के मुकाबले, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि मैं इसकी Redmi 6A से जरूर कंपैरिजन करूंगा, वो तो मैं डिटेल में कंपैरिजन बनाऊंगा ये दोस्तों, लेकिन इस वीडियो के अंदर डिटेल में हम बात करते हैं इस फोन के बारे में। इसके अंदर आपको 3020 mAh की बैटरी मिलेगी, तो 3020 mAh की बैटरी आप मान के चलिए आपका एक दिन आपका ठीक ठाक ही निकाल देगी। प्रोस की अगर बात करो तो इसके अंदर आपको डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट मिलता है, मतलब 2 SIM लगाने के बाद आप अलग से मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, तो ये अच्छी बात है कहीं ना कहीं, क्योंकि 16GB की इसके अंदर मेमोरी है, तो कहीं ना कहीं आज की तारीख में 16GB मेमोरी, जो आप भी जानते हैं दोस्तों, काफी कम पड़ जाती है, तो 16GB अगर आपकी खत्म हो रही है तो आप एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लगा के इसको बढ़ा सकते हैं। साथ ही अगर बात करूं तो ऑनर का कैमरा थोड़ा सा अच्छा होता है, साथ में इसके ब्यूटिफिकेशन मोड भी काफी अच्छे होते हैं। अगर मैं ऑनर की कैमरा क्वालिटी की बात करूं तो काफी मैं इससे सेटिस्फाइड रहता हूं, तो कैमरा को भी मैं इसके प्रोज के अंदर डाल सकता हूं। एक चीज जो इसको मैं प्रोज में भी डालूंगा कौन से में भी डालूंगा वो है इसका प्राइस। काश इसका प्राइस जो है वो 5,999 रुपये होता, अगर इसका प्राइस 1,000 रुपये कम होता तो डेफिनेटली ये काफी अच्छा सेल आउट होता मार्केट के अंदर, लेकिन 6,999 कहीं कहीं मुझे लगता है कि 1,000 रुपये इसका ऊपर हो गया है। कौन से मैंने जैसे आपको बता ही दिया कि फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है इसके अंदर, आपको परफॉर्मेंस का थोड़ी सी दिक्कत आई क्योंकि MediaTek का प्रोसेसर है, लैग करेगा इसका क्योंकि UI इसका EMUI जो है वो अभी इतना स्मूथ नहीं चलता है, और 720p का डिस्प्ले। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल अनबायस्ड आपको ओपिनियन दे दिया है, प्रोज भी बताए हैं, कौन भी बताए हैं, इसके कॉन्फ़िगरेशन भी बताई है, और ये फ्लिपकार्ट पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप जाके फ्लिपकार्ट पे खरीद सकते हैं 6999। ये बजट में और भी काफ़ी सारे फ़ोन आने वाले हैं, ये एक प्लास्टिक बॉडी का फ़ोन है, मेरी तरफ से ना मैं इसको थम्स अप देता हूँ ना थम्स डाउन देता हूँ। ये एक तरह का ऐसा फोन है कि अगर आपके यूज़ का है या आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, बहुत ही एंट्री सेगमेंट में आपको फ़ोन लेना है क्योंकि ऑनर का ब्रांड अच्छा है तो आप इसके लिए जा सकते हैं, तो लगभग इसको मैं एक बीच बीच का इसका ऑप्शन रखता हूँ। बाकी अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं तो आप Redmi 6A का और वेट कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोसेसर है वो नया प्रोसेसर आ रहा है, हालांकि है तो उसके अंदर भी MediaTek का ही प्रोसेसर, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाऊँ इन दोनों का एक फेयर कंपैरिजन वीडियो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों चैनल को अगर आप करते हैं सब्सक्राइब तो एक जादू हुआ, नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको सब्सक्राइब पर टैप करते देखिए वो ग्रे कलर का हो जाएगा, और साथ में बेल आइकन अगर आप दबा देंगे तो आपको मिलेगी मेरे वीडियोस की अपडेट सबसे पहले। तो मैं मिलता हूं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक्स अ लॉट।